दोस्तों वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट इस वक्त हमसे 23 अरब किलोमीटर दूर है, जो सोलर सिस्टम से बाहर निकलकर इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रैवल कर रहा है। लेकिन कुछ दिन पहले उसने एक ऐसा सिग्नल भेजा जिसने साइंसदानों को हैरान करके रख दिया। साइंसदान समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये सिग्नल किस चीज का है, आखिर उस सिग्नल में ऐसा क्या था जिसे देखकर साइंसदान परेशान हो गए। ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च हुए आज 45 साल हो चुके हैं, लेकिन वो आज भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज तक जितने भी स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में भेजा गया है वो हमारे सोलर सिस्टम की बाउंड्री के अंदर रहते हैं। लेकिन 25 अगस्त 2012 को वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट ने हेलियोस्फीयर यानी सोलर सिस्टम की बाउंड्री को पार करके इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल हुआ था, जो हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। क्योंकि जिस तरह हमारी स्पिन का एटमॉस्फेयर हमें स्पेस के खतरों से बचाता है, ठीक उसी तरह हेलियोस्फीयर भी हमें इंटरस्टेलर स्पेस की खतरनाक कॉस्मिक रे से बचाता है। हम स्पिन से स्पेस को अच्छी तरह स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी स्पिन का एटमॉस्फेयर इतना ज्यादा डेंस है जो स्पेस से आने वाली लाइट को स्पेस में ही रोक देता है। ठीक उसी तरह हम सोलर सिस्टम के अंदर रहकर सोलर सिस्टम के बाहर वाले हिस्से को अच्छी तरह स्टडी नहीं कर सकते। इसके लिए हमें सोलर सिस्टम से बाहर जाना होगा, क्योंकि सोलर सिस्टम का एटमॉस्फेयर बहुत सारी रोशनी को बाहरी ब्लॉक कर देता है। इसलिए वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट का सोलर सिस्टम से बाहर जाना हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। वहां जाते ही इसने बहुत सारी डिस्कवरीज की, जैसे इसने इंटरस्टेलर स्पेस की डेंसिटी को मेजर किया, इसके साथ ही कॉस्मिक रेज को मेजर किया और साथ ही बहुत सारी रिकॉर्डिंग की, जिन्होंने साइंसदानों को बहुत ज्यादा हैरान किया। ये स्पेसक्राफ्ट जो भी डेटा स्पिन पर भेजते हैं, नासा उसे अच्छी तरह से स्टडी करती है। लेकिन कुछ दिन पहले नासा को स्पेसक्राफ्ट ने ऐसे सिग्नल भेजे जिसने साइंसदानों को कंफ्यूज कर दिया। यहां तक कि जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी की वेबसाइट पर पब्लिश हुए आर्टिकल में इन सिग्नल्स को मिस्ट्री तक कह दिया है। आखिर ये मिस्ट्री है क्या? इस वक्त ये स्पेसक्राफ्ट हमसे 23 अरब किलोमीटर दूर है और इस वक्त ये बिल्कुल सही कंडीशन में काम कर रहा है। ये जमीन से कमांड को रिसीव करता है, उस पर वर्किंग करता है और फिर डेटा को दोबारा जमीन पर भेजता है। लेकिन इस स्पेसक्राफ्ट में मौजूद ACCS यानी एटीट्यूड आर्टिकुलेशन एंड कंट्रोल सिस्टम ने बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट की है। जब इससे आए हुए डेटा को स्टडी किया गया तो ऑन बोर्ड पर चलने वाले डेटा से ये मैच नहीं कर रहा था। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये ACCS है क्या और ये करता क्या है। ACCS का काम वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट की ओरिएंटेशन को कंट्रोल करना है। इसके अलावा ये स्पेसक्राफ्ट के एंटीना को जमीन की तरफ पॉइंट करके रखता है, जिससे हम इस स्पेसक्राफ्ट को कमांड भेजते हैं और डेटा को रिसीव कर पाते हैं। इतनी ज्यादा दूरी पर होने के बावजूद इससे आने वाले सिग्नल उतने ही स्ट्रॉन्ग हैं जितने पहले हुआ करते थे, जिससे ये साफ वाजिया होता है कि ACCS बिल्कुल सही काम कर रहा है। लेकिन स्पेसक्राफ्ट ने जो रेटिंग्स हमें भेजी हैं, वो पूरी तरह से गलत हैं। यानी ये रेटिंग हमें बता रही है कि स्पेसक्राफ्ट का एंटीना जमीन की तरफ नहीं है, जिसका मतलब ये है कि इससे हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी हमें वहाँ से बिल्कुल सही सिग्नल मिल रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि ये एंटीना बिल्कुल सही कंडीशन में है। इस चीज ने नासा की टीम को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर दिया है। अब यहाँ सोचने वाली बात ये है कि अब किस चीज को सही माना जाए, जमीन से भेजे गए सिग्नल को जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, या भी स्पेसक्राफ्ट से आने वाले सिग्नल को जो ये बता रहे हैं कि एंटीना जमीन की तरफ नहीं है। इस स्पेसक्राफ्ट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये स्पेसक्राफ्ट खुद ही सेफ मोड में चला जाएगा, जिसमें स्पेसक्राफ्ट के जरूरी पार्ट्स ही काम करेंगे, बाकी सभी पार्ट्स बंद हो जाएंगे ताकि ये स्पेस में एक्टिव रहे, और बाकी पूरा स्पेसक्राफ्ट शटडाउन हो जाएगा ताकि प्रॉब्लम ज्यादा ना बढ़ सके और साइंसदानों को इसमें आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने का टाइम मिल जाए। इस एंटीना से सिग्नल बिल्कुल सही मिल रहे थे, जिससे ये तो साफ है कि एंटीना स्पिन की तरफ है और वॉयेजर सेफ मोड में नहीं गया। इन सभी चीजों से ये साफ जाहिर होता है कि वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट पर ऐसा कोई भी ग्लिच नहीं है। नासा ने कहा है कि वो सिग्नल्स को बहुत ज्यादा बारीकी से स्टडी कर रहे हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये सिग्नल सीधे ACCS से आ रहे हैं या फिर डेटा को प्रोड्यूस करने वाले किसी और सिस्टम से।
अभी ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि ये स्पेसक्राफ्ट कब तक सिग्नल को जमीन पर भेजता रहेगा या फिर इस मिशन का फ्यूचर क्या होगा। ये पूरी तरह से एक मिस्ट्री बन चुका है। ये स्पेसक्राफ्ट हमसे 23 अरब किलोमीटर दूर है। इतनी दूरी से लाइट को हम तक पहुंचने में 20 घंटों का वक्त लग जाता है। इसका मतलब ये है कि इसे मैसेज सेंड करने और इसे सिग्नल को रिसीव करने में 2 दिन का वक्त लग जाता है, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इस वक्त कितनी दूर है और इसे रब्ता करने में साइंसदानों को कितनी मुश्किल पेश आती होगी और इस काम के लिए साइंसदान को बहुत ज्यादा सब्र चाहिए होगा। इस मिशन की मैनेजर सुजन का कहना है कि इतनी दूरी पर इस तरह की मिस्ट्री का मिलना हमारे लिए किसी बहुत बड़े चैलेंज से कम नहीं है। ये बात आप जान लें कि ये स्पेसक्राफ्ट 45 साल पुराना है और इसकी टेक्नोलॉजी भी 45 साल पुरानी है। ऐसी टेक्नोलॉजी आज हमारे पास नहीं है, लेकिन इससे भी बड़ी बात ये है कि ये इंटरस्टेलर स्पेस में है, जिसका हमें कोई भी आइडिया नहीं है कि वहाँ क्या हो सकता है और ना ही इससे पहले वहाँ कोई गया है। इसीलिए नासा की टीम के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। साइंसदान कहते हैं कि हो सकता है नासा इसे आने वाले अजीब व करीब सिग्नल का पता ना लगा पाए, जिसकी वजह से ये सिग्नल हमारे लिए हमेशा के लिए एक मिस्ट्री बन जाए। और ये भी हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में हम इस कंफ्यूजन को समझ लें। ये बात आप जान लें कि ये स्पेसक्राफ्ट हर साल 4 वाट से भी कम पावर जनरेट करता है, जिससे बहुत कम सिस्टम को चलाया जा सकता है। ये स्पेसक्राफ्ट ज्यादा देर तक चलता रहे, इसलिए साइंसदानों ने इसके कैमरास और बाकी सिस्टम को बंद कर दिया है। इसके पास किसी भी और सिस्टम को बंद नहीं किया गया, लेकिन इसकी पावर कम होती जा रही है और साइंसदानों की पूरी कोशिश है कि इसे 2025 के बाद भी चलाया जा सके। इनके जरिए हमने हमारे सोलर सिस्टम के गैस जायंट के बारे में जाना, जो हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट्स करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।